गाइस, सो वी आर बैक ऑन डॉग व्लॉग्स और हम जा रहे हैं आज वापस इंडिया। सो आज है लास्ट दिन, तो थोड़ा सा लास्ट में बस लास्ट मोमेंट ही सोचिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ फैमिली वालों के लिए और उसके बाद फिर निकलेंगे। वहाँ शाम की फ़्लाइट है तो हम लोग यहाँ से 3:30 बजे निकल जाएंगे। सिंगापुर इंडिया से 2.5 घंटे आ गए, तो उस टाइम गैप से हम लोग 5 आवर्स समथिंग में इंडिया पहुँचेंगे और बाय मिडनाइट विल बी अराइविंग इन इंडिया बैक। सो बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। इट वॉज़ सो मच ऑफ फन एंड सो मच ऑफ डिस्कवरिंग द न्यू कंट्री। सो इट वॉज़ रियली ग्रेट टू नो कि सिंगापुर इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, मॉडर्नाइजेशन है और इतनी ज़्यादा मस्ती हुई है यहाँ पर मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग काम में इतना लगे रहते हैं ना तो डिस्ट्रेस नहीं हो पाता। सो बाहर आके थोड़ा सा माइंड और खुला है और मस्ती बहुत हुई है। सो मैं इनको भी मिलती हूँ, तो एज अ कपल बहुत मज़ा आया साथ में। बताते हैं कैसा लगा आपको यहाँ पर? 5 दिन थे यहाँ पे और बहुत फन एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस थे यहाँ पे सिंगापुर में देखने के लिए, मज़ा आया एकदम। आज हमारा लास्ट डे है, थोड़ा शॉपिंग करके आएंगे और फिर हम सीधा शाम की फ्लाइट लेके निकल जाएंगे। बड़ा मज़ा आया, थैंक यू। चलिए ठीक है फिर। सो गाइज, अभी हमारे पिकअप में थोड़ा सा टाइम है, 3:30 के अराउंड हमारा पिकअप है लॉबी से। सो तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा लोकल एरिया अपना एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो होटल के पास स्पेस है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो सामने ही मेरे को एक मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टेंपल्स में, बिकॉज चाइना बेस्ड टेंपल्स हैं, तो इनमें आप शूज़ के साथ भी अंदर जा सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं आप अपने वेल विशर्स के लिए और अपने लिए। एंड फॉर योर ऑडियंस कन्वीनियंस, हम अभी आए हैं सैन जुआन मॉल से। और पता क्या, एक अमेजिंग बात अच्छी थी कि मैं 2-3 दिन से ना चाय ढूंढ रही थी। कॉफ़ी यार ईजी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चाय ढूंढने के लिए लाइक आज मैंने 3-4 दिन बाद चाय पी है, तो चाय का जो नाम था वो था आई थिंक तो इट इज़ लाइक ते। तो वो ढूंढते मैं मशीन में ये समझ ही नहीं पाई कि मुझे प्रेस कौन सा बटन करना है। तो अब आज पता लगा है 4 दिन बाद कि चाय को ते बोलते हैं यहाँ पर। तो आप कभी यहाँ आएँ और अगर चाय आप चाय लवर हैं तो प्लीज़ आप उसको ते के वर्ड से ढूंढ सकते हैं। एंड देयर आर वर्जंस ऑफ दिस ते, ते सी, ते ओ एंड ते। तो ते सी जो होता है वो विद मिल्क होता है आई गेस, एंड ते ओ इज विदाउट मिल्क, एंड यू कैन ऑल्सो टेक हॉट ते एंड आइस ते। अमेजिंग, ते ते ते। आज पता बहुत ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है, सुबह बारिश भी होके चुकी है। सो इजी था, आज मैंने कॉट सेट वेयर किया, आज इजी है ट्रैवल के लिए, कंफर्टेबल भी रहेगा और वैसे भी ठीक है क्योंकि मौसम आज बहुत ही मस्त है। आप क्लाउड देख सकते हो, बहुत मस्त है। आई मीन जस्ट लव इन विद दिस कंट्री, यू नो सब चीज़ें इतनी डिसिप्लिन है ना कि कुछ भी आपको वो नहीं है, कुछ भी यहाँ पर कूड़ा नहीं कोई गिराता है, सब अपने अपने जोन में है, कोई किसी से टकराता नहीं है, कोई किसी से बुरा बोलता नहीं है। सो बहुत अच्छी चीज़ है और कुछ फाइटिंग भी नहीं है। मतलब आज इतना मस्त मौसम है ना, बस अब हम जा रहे हैं थोड़ा लिटिल इंडिया की तरफ। और लिटिल इंडिया मिनी वर्जन है इंडिया के हर एक सामान के लिए। आप इजीली कुछ भी सामान ले सकते हो, फ्रॉम ग्रॉसरी टू शैम्पू टू इनर वेयर टू जिम वेयर, स्विमिंग वेयर, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, गैजेट्स, फ़ोन, कुछ भी बाय कर सकते हो। बट हाँ, आप लिटिल इंडिया से थोड़ा सा आप ये स्पेसिफिकली रहिए कि यहाँ इंटरनेशनल वारंटी तो आपके फ़ोनों के लिए मिल जाएगी अगर आपको ख़रीदने हैं तो, लेकिन यहाँ पर लोकल वारंटी का बहुत इशू है। सो अगर आपको कोई फ़ोन, अगर आपका नीड है और आपका मन है कि आप एक नया फ़ोन लें इस कंट्री से, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आप एक जेन्युइन स्टोर से जाके, जैसे सैमसंग का लेना है तो सैमसंग के स्टोर से लें, नोकिया जाना है तो नोकिया के स्टोर से लें, आईफोन लेना है तो आईफोन के स्टोर से लें। तो जेन्युइन बायर वही है कि बेटर है कि आप स्टोर से लें रादर देन आप किसी ब्लफ में फंस जाएं। सो ये एक मेरी लर्निंग है और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक्सप्लोर करने का ही मतलब ये है कि हम कुछ सीखते हैं और अपनी ऑडियंस को भी एक मैसेज देते हैं कि इस कंट्री में आएँ तो कुछ वार्निंग साइंस का ध्यान रखें। बाकी तो जो है वेकेशन, मतलब चिल करना ज़रूरी है, डिस्ट्रेस होता है और मज़ा आता है। मतलब गेटिंग बैक टू योर वर्क आफ्टर दिस वेकेशन मेक्स मी और यू अ वेरी बेटर पर्सन आई बिलीव।
सो चलते हैं अभी, और अभी थोड़ा सा टाइम और है तो लिटिल इंडिया पहुँचते हैं और कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस आके निकलेंगे अपने घर की ओर। आप देख रहे हो जिन कमाम I can't even spell it, ये हाँ whatever, केवामन मन ने कहा है कि इस रोड पे चलें और आगे बस हम टैक्सी के लिए वेट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ डेजिग्नेटेड स्पेस है, आप ऐसे बस स्टैंड पे नहीं रुक सकते, आगे थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पर हमें टैक्सी यहाँ रुक जाती है आराम से, और उन पर एक मैसेज भी होता है कि हायर्ड है या फिर हमारे लिए अवेलेबल है, तो उस पर ऊपर लिखा होता है ऑन कॉल हायर्ड अवेलेबल। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट सिंगापुर।
do like, subscribe and press the bell icon as you always do. Bye bye guys.